नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं नीरव और आप है मेरे साथ फ्री एडवाइस में। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कार्ड आपके पास होने के बावजूद भी आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जब आपका नया इलेक्शन कार्ड बनता है तब आपका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पर इस वोटर लिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। जब बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर इस इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करने आता है, तब आप अगर उस एड्रेस से शिफ्ट कर गए हैं तो वो आपका नाम उधर से निकाल देगा। जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो आपका वोटर आईडी का नाम वोटर लिस्ट के नाम के साथ मैच किया जाता है। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा ही नहीं तो आपको किसी भी हाल में वोटिंग करने दिया नहीं जाएगा। और अगर आपके वोटर आईडी के नाम में और वोटर लिस्ट के नाम में डिफरेंस होगा तो आपको वोटर लिस्ट वाला नाम जो है वो व्यक्ति आप ही है वो साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित कर सकते हैं तो आपको वोटिंग करने दिया जाएगा, अन्यथा आप वोटिंग नहीं कर सकते। अब हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, और अगर है भी तो वो नाम हमारे वोटर लिस्ट के नाम से मैच करता है या नहीं करता। इसके लिए तीन रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, आप इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके अपना नाम है या नहीं और है तो सही है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, आप इलेक्शन कमीशन के एक मोबाइल नंबर जो नीचे दिया गया है उस पर आप एक एसएमएस करेंगे। एसएमएस होगा एपिक ईपीआईसी स्पेस और आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर ये लिख के आप इस नंबर पे सेंड कीजिए तो आपको अपने नाम के संबंधित सभी जानकारियां आपके फोन पे एसएमएस के रूप में मिल जाएगी। तीसरा रास्ता है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी ये माहिती प्राप्त कर सकते हैं। ये आप किस प्रकार कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार में जाकर ceo.gujarat.gov.in टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। आप गुजरात के अलावा किसी और राज्य से हैं तो गुजरात की जगह अपने राज्य का नाम डालिए, यानी आप महाराष्ट्र से है तो आप महाराष्ट्र लिखिए। पेज खुलने के बाद आप सर्च योर नेम इन द वोटर लिस्ट इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, बाद में यहाँ से बाय आईडी कार्ड नंबर पर क्लिक कीजिए। आईडी कार्ड नंबर में आपका वोटर आईडी का नंबर डालिए, कैप्चा कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए और सर्च पर एंटर कीजिए। यहाँ पे आपके नाम की डिटेल आ जाएगी। अगर आपको अपने आईडी कार्ड के नंबर याद नहीं है तो फिर आप यहाँ पे बाय नेम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सरनेम, नेम और हस्बैंड नेम यहाँ पे डालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ पहले के तीन तीन अक्षर डालने हैं, पूरा नाम कहीं पे भी नहीं लिखना। उसके बाद आप अपनी एज और सेक्स सिलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड डालकर सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको नाम के साथ पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है या फिर आपका नाम गलत है तो जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल ऑफिसर का कांटेक्ट कीजिए और उसे सही करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस बारे में कुछ और बताना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मिलते रहेंगे। गुड बाय।